हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है ये फ्रेश धनिया, कोथमीर या हरी धनिया, लहसुन है तो ये मैंने लिया है। एक कटोरी हरी धनिया ली थी, 20-25 कलियां लहसुन की ली थी, दो हरी मिर्च डाली है और इसके अंदर डाल दिया है नमक, हींग, और इसको अच्छे से मैंने कूट लिया है। और ये देखिए, कूटने के बाद इस तरह से मेरी बढ़िया सी लहसुन की चटनी बनके रेडी हो गई है। तो इसको आप खाने के साथ खाएं या सब्जी में भी डालें। और इसको मैं भर लेती हूँ कांच की बोतल में, फ्रिज में आप 3-4 दिन रख के खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये लहसुन गुड फॉर हेल्थ है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल करता है। तो बस इसी तरह से आप भी बनाए खाएं, खिलाएं है बनाइए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है हरी धनिया, हरी मिर्च और लहसुन की चटनी। तो इसके अंदर एक कटोरी हरी धनिया ले लिया था, दो तीखी लाल मिर्च ली थी, 20-25 कलियां लहसुन की, नमक और हींग डाल के इस तरह से मैंने इसको कूट लिया है। और ये कूटने के बाद रेडी हो गई है। और ये इस तरह से देखिए दरदरी, ये चटनी खाने में ऐसे ही दर दर ही अच्छी लगती है। तो बस, और इसको इस तरह से ईमान दस्ते में ही कूटे, मिक्सचर में तो एकदम पेस्ट बन जाएगी, तब मज़ा नहीं आएगा। और इसको आप बोतल में भर लें, बोतल या डब्बी में, फ्रिज में रखें, 3-4 दिन तक खराब नहीं होगी। इसको आप खाने के साथ खा सकते हैं, दाल सब्जी में डाल सकते हैं। और ये लहसुन हरी धनिया, ये सब गुड फॉर हेल्थ है। इससे लहसुन से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। तो बस ये बढ़िया सा अपने पास चटनी बन के रेडी है। और ये चटनी को मैंने इस तरह से ये कांच की बोतल में रख लिया है। मैं हमेशा किसी भी तरह की चटनी हो कांच के बर्तन में ही रखना पसंद करती हूँ। तो बस इसको खाने के साथ खाएंगे, स्वाद बढ़ाएगा। पर ये सिंपल, आप जब पराठे बेल रहे हो तो उसके अंदर भी आप इसका चम्मच से ऐसे लेयर एक थोड़ा सा बिछा दे हल्का, तो इससे वो अपना पराठा भी एकदम टेस्टी लगेगा, यम्मी टेस्टी। और वो पराठा चाय के साथ खाने में एक अलग ही मज़ा है। तो ये एक ही चटनी के कई उपयोग हैं। तो बस एंजॉय करें बना के, आप भी बनाए खाए खिलाए है वाला इसमें। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।